नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। झारखंड में साइबर ठगी के लिए जामताड़ा काफी चर्चित है, नाम भी सुना होगा आपने। लेकिन अब भरतपुर, दिल्ली की तरह छत्तीसगढ़ के युवक भी ऑनलाइन ठगी करने लगे हैं। दूसरे राज्यों में बैठकर खुद का गिरोह चला रहे हैं और अपने ही राज्य के लोगों को ठग रहे हैं। यहां पर साइबर ठगी के मामलों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। ये इलाका अब साइबर ठगों का गढ़ भी बन रहा है। साइबर रेंज थाने की टीमों ने देश के अलग अलग राज्यों में छापा मारकर 7 ऐसे ठगों को गिरफ्तार किया। इनमें भिलाई के प्रेम चंद्राकर ने 10वीं तक की पढ़ाई की है। वो पुणे से ठगी का रैकेट चलाता है। वो 2 साल पहले काम करने के लिए पुणे गया, ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के संपर्क में आ गया और उनके पास 15 दिनों की ट्रेनिंग ले ली। उसके साथ फिर ऑनलाइन ठगी वो लोगों के साथ करने लगा। पिछले 1 साल से वो खुद का गिरोह ऑपरेट कर रहा है। उसने पुणे में ठगी करने के लिए कॉल सेंटर भी खोल दिया, जिसमें 18 से ज्यादा युवक उसके लिए काम करते हैं। कॉल सेंटर में ये लोग बैठकर लोगों को फोन करते हैं, शेयर मार्केट में निवेश, गूगल रिव्यू का झांसा देते हैं। इस तरह से उसने करोड़ों की ठगी की। ठगी के ही रुपयों से उसने पचेड़ा गांव में 80 लाख का घर बनवाया। 80 लाख का घर। इस तरह के मामले अब लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों को जागरूक करने का हर संभव प्रयास शासन प्रशासन कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम करने जा रहे हैं विस्तार से चर्चा। कुछ मेहमानों को भी आपके साथ जोड़ेंगे। उससे पहले सुनिए साइबर क्राइम ESP संदीप मित्तल क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को, पहले वो सुनवाते हैं, फिर हम एक महत्वपूर्ण पैनल के साथ चर्चा को शुरू करेंगे। के मामले में रेंज साइबर थाना एवं रायपुर क्राइम ब्रांच के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विगत दिनों 5 साइबर ठगी के प्रकरण, जो मुख्यतः गूगल में रिव्यू के नाम पे और 4 प्रकरण शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट कराकर ठगी के नाम पर थे, इसमें 5 प्रकरणों में 7 लोगों की विभिन्न राज्यों से गिरफ्तारी की गई है। इन सभी मामलों में एक किसी ग्रुप के द्वारा इनको किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर और इनसे इन्वेस्ट कराकर एक बहुत बड़ी मात्रा से ठगी कराई गई थी। इसमें 7 व्यक्तियों को अलग अलग प्रदेश से गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में रिमांड के लिए भेजा गया है और साथ ही 70 लाख रुपए की रकम इसमें होल्ड कराई गई है। साइबर रेंज थाना के द्वारा, रायपुर क्राइम ब्रांच के द्वारा इस प्रकार के मामलों में लगातार आगे भी कार्रवाई की जाती रहेगी। तो आपको बता दें, इस तरह के कई वाक्य आपने वेब सीरीज फिल्मों के माध्यम से देखे होंगे। युवाओं में चाहे नशे की प्रवृत्ति हो, कम समय में ज़्यादा पैसे कमाना, लग्जरी लाइफ जीना, कम समय में अगर आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है और आप नशे की राह पर हैं, ठगी की राह पर हैं, ऐसा कोई, और आप इन लड़कों की उम्र भी देखिए, इन लड़कों की उम्र देखिए आप, जिस उम्र में इन्हें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की पढ़ाई करनी चाहिए थी, और अब ये कर क्या रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं अमन कुमार झा जी का, आप CSP हैं आजाद चौक थाना, बहुत बहुत स्वागत है। मोहित साहू जी का स्वागत है, आप साइबर एक्सपर्ट हैं। शुरुआत करते हैं अमन जी आपसे, ये महत्वपूर्ण बात आप लोगों के भी अनुसंधान में सामने आती होगी कि ये कम उम्र के बच्चे क्या कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना, लग्जरी लाइफ जीना, और वो फिल्मों की भी एक दुनिया होती है, उससे बहुत ज़्यादा ये लोग क्या बहुत प्रभावित हो जाते हैं? जी, मेरे ख्याल से जो साइबर क्राइम है वो बेसिकली एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्राइम है। जी, स्वाभाविक है, जो यंग बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी को जल्दी कैचअप करते हैं। और बाकी जो आपने कारण बताया, जो हमारे सोशल एम्बिशंस हैं और पीयर प्रेशर है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का असर है, वो फैक्टर्स तो नहीं, बट प्राइमरली मुझे लगता है ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्राइम है, तो यंग पीपल आर फाइंडिंग इट इजियर टू कैच अप। बिल्कुल बिल्कुल। मोहित जी, अभी ये जैसा कि हमें झा साहब बता रहे थे कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो काम कर रही हैं, इन बच्चों को भी समझ में नहीं आता है, आप लोग किस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं, कितनी उम्र के लोग हैं इस पूरे गिरोह में? देखिए, अगर एक एज ग्रुप की बात की जाए तो अभी जितने भी लोग पकड़ में भी आ रहे हैं या उनकी बात करें,
तो कहीं ना कहीं इसमें नाबालिग भी शामिल हैं, और ज्यादातर ये ऐसे लोग हैं जो 20 से 30 के एज ग्रुप के लोग हैं, जो काफी यंग हैं। और ये लोग ऐसे हैं जो स्कूल, और कई लोग पढ़े भी नहीं है, बहुत पढ़े लिखे लोग ये, और खुद तो गांव और ऐसे तबके से आते हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे जगह और भी केसेस भी देखने को मिले हैं। एक बहुत रिसेंट केस था शिवा साहू का, जो कि काफी पॉपुलर हुआ, जो कि इन्वेस्टमेंट कराता था लोगों से। तो ऐसे जो गांव है और उस जगह के लोग हैं जिनको पैसे की ऐसी जरूरत दिख रही है, जिनको ये शानो शौकत दिख रही है, जहाँ पे ग्लैमर दिख रहा है, और जी उनको लगता है ये मनी है और बहुत जल्दी इस पे आ सकते हैं। और उनको ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का अप्रोच बहुत बढ़ गया। अब हर किसी के हाँ हाथ में मोबाइल है, और वीडियोस के थ्रू लोग जो है जल्दी चीजों को सीख पा रहे हैं। तो उनके लिए अब ये कनेक्टिविटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई कि अब वो किसी से भी कनेक्ट हो पा रहे हैं, नई चीजें सीख पा रहे हैं, अपना खुद का गैंग बना पा रहे हैं, आप ये बोल सकते हैं। क्योंकि एक छत्तीसगढ़ का लड़का बाहर जा करके अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो चैट रूम्स पहले होते थे, जो कि बहुत लिमिटेड लोगों के पास एक्सेस होता था, अब वो हर किसी के हाथ में है, मोबाइल पे है। इस कारण जो है ये अब काफी तेजी से ये लोग इस चीज की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। अच्छा अमन जी, मैं एक बात आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। आजकल एक शब्द खूब हम लोग सुन रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट। अब क्या करते हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी निशाना बनाया गया है, नोएडा में, गाजियाबाद में, ऐसे मैंने कई सारे केस देखे। 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक की ठगी की गई है। एक IT एक्सपर्ट हैं, उनका कहना था कि उन्हें दुबई जाना था अपनी कंपनी के ही कार्य से, तो उनको डिजिटल अरेस्ट करके तकरीबन 1 करोड़ की ठगी उनके साथ की गई। फिर वो मामला डोमेन में आया। तो क्या पुलिस या पुलिस की कोई शाखा, मतलब शासकीय शाखा जो पूर्णतः शासकीय हो, आप लोग इस तरह का कोई डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ मूवमेंट करते हैं क्या? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इसके पीछे एक कारण ये है कि पुलिस की प्रक्रियाओं को लेकर थोड़ी अवेयरनेस की कमी है। पुलिस अगर किसी भी अपराध की विवेचना कर रही है, कुछ इन्वेस्टिगेट कर रही है, और किसी विटनेस से अगर बात करना चाहती है, किसी सस्पेक्ट से बात करना चाहती है, तो एक डायरेक्ट अप्रोच होता है, उन्हें थाने बुलाया जाता है या उनके घर जाते हैं। अगर वारंट होता है सर्च करने का तो सर्च करते हैं। एक सेट लीगली डिफाइंड प्रोसेस है। इसके बारे में मुझे लगता है थोड़ी अवेयरनेस की कमी है। तो जब कभी कोई साइबर ठग किसी को फोन करता है, वो उनकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है। आमतौर पर देखा जाता है कि एक अकेला आदमी नहीं, 3-4 लोग उससे बात करते हैं। कोई अपने आप को फलां अधिकारी बताएगा, कोई अपने आप को किसी अन्य विभाग का बताएगा। तो लोगों का पहले वो भरोसा जीतते हैं, उनकी साइकोलॉजी से खेलते हैं, एंड देन उनसे मनी एक्सट्रॉर्ट करते हैं। बट इस चीज को, इस प्रकार के अपराध को कम करने के लिए जरूरी है कि लोगों में ये जागरूकता बढ़े कि पुलिस की एक्चुअल प्रोसीजर क्या है। कि बिल्कुल हम अगर किसी से बात करना चाहते हैं तो हम उनको स्वाभाविक है बोलेंगे कि आप फलां थाने आ जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, या हम खुद आपके यहाँ। अगर हम अपराध भी कायम करते हैं, क्राइम रजिस्टर्ड करते हैं, तो थाने में से रजिस्टर होता है, या अब EFIR का कॉन्सेप्ट आ गया है जिसमें सिटीजन स्वयं अपना कंप्लेंट लॉन्च करता है। एज सच डिजिटल अरेस्ट का ये इन्होंने बस एक मोडस ऑपरेंडी डेवलप कर लिया है लोगों को एक्सटॉर्ट करने के लिए। मतलब ये पूरी तरह से भ्रामक है, ये बिल्कुल भी नाम मात्र की भी इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। नहीं, ये बस लोगों की साइकोलॉजी से खेलते हैं जी उस मोमेंट में, लोगों जी को डरा के एक्सटॉर्ट जी करने के लिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मोहित जी, एक समय हमने देखा था ये आवाज चेंज करके फ्रॉड कॉल किए जा रहे थे, और जी बिल्कुल हूबहू कॉल किया जाता था, और फिर बोला जाता था कि मैं आपका दोस्त बात कर रहा हूँ, या कई रिलेटिव्स को भी इस तरह के कॉल आए थे, उनका कहना था कि मेरे बेटे का कॉल आता है और बिल्कुल जैसा मेरा बेटा बात करता है वैसी ही वो भी बोल रहा है। तो ये क्या टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा इसकी भी एक जानकारी हमारे दर्शकों को दें ताकि वो अवेयर रहें इस पूरे मामले में। देखिए, अभी के समय में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं, काफी एडवांस हो चुका है। पहले कोई भी चीज को करने के लिए बहुत सारे बड़े PCs, कॉम्पिटिशंस वाले PCs की जरूरत पड़ती थी। अभी क्या होता है कि आपकी अगर 5 सेकंड की भी आवाज किसी के पास आए, तो वो उस आवाज से हुबहू एक नकल बना लेता है, जिसको हम लोग वॉइस क्लोनिंग बोलते हैं। और उसके
जब वो लोग टेक्स्ट में जो भी चीज लिखते हैं फोन कॉल पे वो चीज वो आवाज के थ्रू सामने वाला तक पहुंचती है। तो अगर आपके पास किसी की भी वॉइस क्लोनिंग है कहीं पे पब्लिक वीडियोस के थ्रू आप बोल सकते हैं, या फिर नॉर्मली आपने पहले कॉल कर लिया, थोड़ी बातचीत की, वहां से आपने वॉइस रिकॉर्ड कर ली, फिर उसको यूज किया क्लोनिंग के लिए, नहीं, तो इस जैसे तरीके मान से। लीजिए कि मैं फेसबुक लाइव करता हूँ, या कोई भी व्यक्ति फेसबुक लाइव करता है, या कोई अपनी कुछ भाषण को या बोली हुई चीज़ को अपलोड कर देता है, तो यहाँ से ये जो फ्रॉड हैं इनका काम हो सकता है, आसान हो जाएगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके वीडियोस, आपके ऑडियोस और आपका इमेज, अगर ये तीन चीज किसी के पास है और जितनी ज्यादा मतलब मात्रा में, मतलब अच्छा लंबा रिकॉर्डिंग है, लंबा वीडियोस हैं, तो आपकी भाषा और ज्यादा एक्यूरेटली वॉइस में अरे टोन हो बाप रे। जाती है। तो उसके बाद फिर इसका उपयोग ये लोग कॉलिंग के लिए करते हैं, जिसमें कॉल स्पूफ भी करते हैं कि सामने वाले के नंबर को भी वो दिखा सकते हैं। तो इस तरीके के काफी फ्रॉड अब देखने को मिलने लगे हैं, जहाँ पे लोग कॉल स्पूफिंग कर रहे हैं, लोगों को ऐसे टाइम पे कॉल करते हैं कि जैसे कई लोगों के बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं, तो उनको बोलते हैं कि आपके बच्चे का ये प्रॉब्लम, उनके नाम से वो कॉल कर रहे हैं, उनके बच्चे के नाम से कॉल कर रहे हैं, ताकि वो बच्चा जब सो रहा हो उस टाइम पे कॉल आ रहा है। तो कई चीजों को देखते हुए ये अटैक करना शुरू कर चुके हैं, काफी बड़े लेवल पे ये चीजें ये लोग करना शुरू कर चुके हैं अब। अच्छा, ये क्या रिकॉर्डेड कॉल होता होगा? क्या पहले से क्या क्या बोलना ये रिकॉर्ड रहता होगा, या एकदम लाइव चलता रहता है बिल्कुल ये? इसको टेक्स्ट टू वॉइस बोलते हैं हम लोग बेसिकली। अच्छा एआई में क्या होता है, जी, बहुत सिंपल, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ये सर्विस देती हैं टेक्स्ट टू वॉइस की, जिसमें आपको वॉइस क्लोन करने के बाद में जो चीज आप टेक्स्ट में लिखते हैं वो हुबहू आपकी आवाज में बोलना शुरू कर देता है। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसका उपयोग करते हुए ये लोग रियल टाइम कॉलिंग पे इसको उपयोग करते हैं। अब ये तो बहुत बहुत खतरनाक चीज़ हो गई। मतलब इसको तो ट्रेस करना कितना मुश्किल है मोहित जी। अगर मान देखिए, लीजिए अगर कॉल जल्दी कॉल जो आता है, कॉल कहीं ना कहीं आपके टेलीकॉम किसी ऑपरेटर परिचित को बन जाता के है। कोई फ्रॉड कॉल आपको कर दे कि ये फला जी जगह अभी गए थे, कुछ इनके साथ अननेसेसरी कुछ ऐसा हुआ है, और कुछ जी बहुत जल्द पैसे चाहिए, या इस टाइप की चीज़ें, तो फिर कैसे आप पहचानेंगे कि असली या नकली है? देखिए, सबसे पहला तो अगर कुछ ऐसा होता है तो अक्रॉस आप उसको क्रॉस चेक करें अपने दूसरे किसी परिचित के जो साथ में जुड़े हुए हों, क्योंकि जनरली जब भी ये फ्रॉड कॉल होते हैं ये किसी को टारगेटेड रैंडम नंबर्स पे चालू करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपके सारे परिचित को वो कॉल करके ये चीज बताएंगे। जी और जी जनरली कभी ऐसी घटना होती है तो कोई भी आदमी अपने एक ही परिचित को नहीं, दो तीन को बताता है, दोस्तों को बताता है, और भी परिचित को बचाता है। तो आप, अगर आपको किसी का कॉल आ रहा है, आपके मान लीजिए बच्चे का आ रहा है, आपके किसी फ्रेंड का आ रहा है, रिलेटिव का आ रहा है, तो आप दूसरे फ्रेंड रिलेटिव से कंफर्म करें जो उनसे साथ में जुड़ा हुआ हो कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है, उसके बाद ही आप बिल्कुल कोई एक्शन ले। बिल्कुल। अच्छा अमन जी, आजकल एक चीज और चलन में आई है, किसी बड़े अधिकारी की या किसी बड़े एमएलए मंत्री हैं, उनकी आईडी फर्जी बना लेते हैं, और कुछ चुनिंदा लोगों को मैसेज किया जाता है, हाय कैसे हो, अभी इतने रुपए की आवश्यकता थी। ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे। मध्य प्रदेश में तो एक दो मंत्री हैं, उनकी आईडी फर्जी आईडी बना ली गई, और उनको बाकायदा फिर ट्वीट करना पड़ा अपने ऑफिशियल आईडी से कि अगर आपके पास इस तरह के कोई मैसेज आया हो तो ये पूरी तरह से भ्रामक है, आईडी की रिपोर्ट कीजिए। तो इस तरह की भी, मतलब ये भी एक ठगी का ही रूप है। जी बिल्कुल, ये ठगी है, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और जिनके साथ अगर ठगी होती है, चाहे जो भी अमाउंट हो, उन्हें इसको रिपोर्ट करना चाहिए। जी अनफॉर्चुनेटली आसान है सोशल मीडिया पे किसी का डुप्लीकेट अकाउंट बनाना, आप जी उन्हीं के अकाउंट से जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, थोड़ी बहुत और जानकारी जुटा लेते हैं, और एक लगभग लगभग ऑथेंटिक सा लगने वाला अकाउंट बना लेते हैं। लेकिन यहाँ अन्य साइबर क्राइम की तरह यहाँ भी हमें थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है, कि आप सोचिए जिन्हें आप सिर्फ फॉलो करते हैं ना, चाहे वो पॉलिटिशियन हुए हैं या चाहे सिविल सर्वेंट हैं या कोई एक्टर हैं, किसी या किसी अन्य इंडस्ट्री से आते हैं, वो आपसे जी क्यों ऐसे सामने से चल के पैसे मांगेंगे? बिल्कुल देर इज बिल्कुल। समथिंग सस्पिशियस देयर, राइट? तो लोगों को मतलब, हाँ, हम हमारे लोग थोड़े अच्छे दिल के होते हैं, साफ दिल के होते हैं, तो लगता है कि नहीं कोई पैसे मांग रहा है तो शायद जरूरत होगी, तो इसीलिए दे हाँ देते हैं पैसे। लेकिन इस मामले में हमें थोड़ा ना अवेयर होने की जरूरत है, जैसे कि अभी जो दूसरे गेस्ट हैं उन्होंने बताया कि हमें वेरीफाई करना चाहिए अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसे तुरंत से पैसे ट्रांसफर करने के पहले एक आध लोगों से बात कर लें, उनसे बताएं जो वो जो उन्हीं व्यक्ति को फॉलो करते हैं, तो बताएं कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझसे ऐसे पैसे मांगे गए हैं, आपको इस बात में कितनी सच्चाई लगती है? अगर आप वेरीफाई करेंगे तो आपको कोई दूसरा बता देगा कि नहीं, मुझे तो इसमें कुछ
दाल में काला लगा, बिल्कुल। और मान लीजिए फिर भी अगर आपके साथ ऐसी ठगी हो जाती है तो आपको उसको रिपोर्ट करना चाहिए फिर। मतलब अमन जी, ये यही माना जाए कि ये जो ठग हैं, इनके रूप बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से ये ठगी करते हैं। जैसे एक बड़ी दुखद जी घटना सामने आई कि एक महिला को फोन किया गया और उनसे जिस तरह से जो जालसाज थे उन्होंने इस तरह की उन्हें बातचीत बोली कि आपके बच्चे पर ये केस हो गया, उन्हें हार्ट अटैक आया, उस वजह से दुखद उनकी मौत हो गई। ये बहुत मतलब बहुत दुखद केस है। यानी कि अब ये लोगों की जान तक आफत, जान की आफत तक पड़ रहा है कि लोगों की जान चली जा रही है। कोई दिल का कमजोर, अगर कमजोर दिल का जो मरीज हो, उसको तो बहुत ज्यादा मतलब एकदम से शॉकिंग मोमेंट होता है उसके लिए। तो वो उस चीज को सही भी समझेगा और इतना ज्यादा उसको परेशानी हो सकती है। मतलब अब हमें इस तरह से भी सोचना पड़ेगा इस पूरे मामले में। जी, आपको अगर फोन से कोई भी किसी भी प्रकार की सूचना दे रहा है जो आपको थोड़ी सी खटक रही है, तो आप उसको बिल्कुल वेरीफाई कीजिए, ट्रस्ट बट वेरीफाई। मैं कहूंगा इसको एक मंत्र बना लिया जाए, कोई आपको बता रहा है कि आपका बेटा किसी जगह फंसा हुआ है या कुछ दुर्घटना हो गई या कुछ भी, उसको वेरीफाई कीजिए। जी ये एक दुखद है कि कई बार खास करके जो ज्यादा उम्र के लोग हैं जिन्हें कोई अदर लाइफस्टाइल डिजीज हैं, हार्ट अटैक जी है, हार्ट कंडीशंस हो गई हैं कुछ और, तो उनके लिए नतीजे बहुत खराब आते हैं। लेकिन आमतौर पर उद्देश्य यही होता है कि लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेल के, ये कुछ कुछ उस डिजिटल अरेस्ट की तरह ही है जो आपने कुछ देर पहले मेंशन किया था, लोगों की जी साइकोलॉजी के साथ खेल के उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करके उनपे उनका जी भरोसा जीत जी के उनसे साइबर ठगी की जाए, तो कभी भी हमें वेरीफाई करना चाहिए, मैं कहूँ, बिल्कुल क्योंकि हमें अलर्ट तो रहना होगा जी, इसके। अलर्ट रहना बहुत बोलिए ज़रूरी है। और हमें, हमारे जो जी दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी इस बात को समझे जो हमारे एक्सपर्ट आपको जानकारी दे रहे हैं कि अलर्ट ज़रूर रहिए, अवेयर ज़रूर रहिए। पुलिस किसी तरह का डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। हाँ, अगर किसी केस में आप संदिग्ध हैं तो पुलिस आपको थाने बुला सकती है, ऑफिशियली कॉल जाएगा आपको, पुलिस थाने का ही कॉल होगा। अमन जी, सही बात है ये? जी बिल्कुल, जी, तो आपको ऑफिशियली। अगर जी आप जी विटनेस हैं, जी, बिल्कुल आप विटनेस हैं, तो आपको कहा जाएगा कि आप पर्टिकुलर शहर के पर्टिकुलर थाने आ जाइए, वो या तो आप अगर किसी अन्य शहर में हैं तो आपसे पुलिस स्वयं फिजिकली मिलने आएगी कि, और आपको अपना आईडी कार्ड और अपना केस से संबंधित जानकारी बताएगी। ये ऐसे डिजिटली आपको कोई नहीं कहेगा कि नहीं आप एक रूम में बैठे रहिए कहीं मत जाइए, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई कोई सीआरपीसी या बीएनएसएस में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं दी हुई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और अमन जी, मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगा, जांच में ये भी पता चला कि ये जो डिजिटल अरेस्ट के ज्यादा कॉल आ रहे थे, तो ये +92 पाकिस्तान से ये कॉल ज्यादातर आया करते थे। वो एक ऐसा रूम बना लेते हैं सर कि वो एक पुलिस थाना लगे, उसमें जो व्यक्ति बैठा है वो भी पुलिस ड्रेस में बैठा है, जो उससे मिलने आ रहा है वो बकायदा एक, जैसे आप किसी फिल्मी सीन को देखते हैं तो टीआई या जो बड़े अधिकारी बैठे रहते हैं, तो उनसे मिलने जब कांस्टेबल या एसआई आता है, तो बिल्कुल उस चाल ढाल को उन्होंने कवर अप किया था। तो यानी इतने शातिर अब ये लोग हो चुके हैं ठग, और वो भी दूसरे देश में, कई ठग दूसरे देश में भी बैठे हुए हैं। देखिए कुछ मामलों में तो ठग वाकई में दूसरे देशों में बैठे होते हैं, जैसे कि आपने हाल ही में सुना होगा कि साउथ ईस्ट एशिया की एक देश में साइबर स्लेवरी के कुछ किस्से आए थे, जिसमें हमारे देश के भी कुछ लोगों को साइबर स्लेव बनाया गया था, और जी वो लोगों को मतलब मजबूरी वश कॉल कर रहे थे उन्हें स्कैम करने के लिए। लेकिन ज्यादातर केसों में मेरा मानना है कि ये इंडियंस ही हैं, प्रॉक्सी सर्वर्स का और सैंड बॉक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं जी अपना नंबर को मास्क करने के लिए। रही बात वो रूम को रीडिजाइन करना, वो तो सारा ग्रीन स्क्रीन का खेल है, आप पीछे कुछ भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आप एक जैसे कि मैं यूनिफॉर्म में बैठा हुआ हूँ, कोई और इंसान खाकी खरीद के पहन के बैठ सकता है, अपने आसपास कुछ सेटअप लगा सकता है। आफ्टर ऑल ये काफी हाई रिस्क मार्जिन क्राइम है, अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो ये लोग काफी लाखों रुपए की और करोड़ों की ठगी कर लेते हैं, तो इस प्रकार का जाहिर है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे नए क्राइम में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मोहित जी, आप लोग किस तरह से मतलब इसको ट्रेस कर रहे हैं? अगर हमारा दर्शक सामान्य भाषा में कुछ चीजों को समझना चाहे, जैसे मान लीजिए कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भी मान लीजिए ऐड रहता हूँ, उसमें लिखा आता है प्रधानमंत्री
मोदी जी के जन्मदिन पर ये स्पेशल स्कीम, इस पर लिंक पर आप क्लिक कीजिए, ये भी तो एक तरह से फ्रॉड होता होगा। एक बार आया था कि भारत के वर्ल्ड कप जीतने पर जियो ने अपनी सारी सर्विस फ्री कर दी है, 12 घंटे के लिए जुड़ी है, ये क्या रहता है? ये भी मतलब ठगी का ही एक दूसरा रूप है क्या? जी बिल्कुल, ऐसे काफी ठगी के रूप देखने को मिलते हैं जिसमें ये फर्जी लिंक्स, फिशिंग लिंक्स बोलना चाहिए, ये लोगों के बीच सर्कुलेट किए जाते हैं बहुत सारे माध्यम से, टेलीग्राम, जी व्हाट्सएप से, अलग अलग सोशल माध्यम से। जब भी लोग ये लिंक्स पे क्लिक करते हैं, अपनी जानकारी वहां पे देते हैं, तो उनकी सेंसिटिव जानकारी इनके पास पहुंचती है और उसके द्वारा फिर ये ठगी आगे बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को फ्री की स्कीम से बचना है, और जैसे कि सर ने बताया कि कहीं ना कहीं ये डर, लालच, ये जो साइकोलॉजिकल चीजें हैं, इसको ये लोग टारगेट करते हैं कि आदमी अगर डर रहा है तो उसको डरा बिल्कुल करके बिल्कुल वसूलना है, अगर वो लालच कर रहा है तो उसको इस तरीके के लिंक दे करके वसूलना है। तो मेरा मानना है कि स्टॉप थिंक एक्ट, जैसा कि ट्रैफिक सिग्नल में होता है, उस तरीके से आपको इंटरनेट पे बिहेव करना है कि आपको पहले देखना है, सोचना है, और उसके बाद ही उसमें एक्शन लेना है, तो तब जाकर के हम सुरक्षित रह पाएंगे। और ये ठगी के तरीके हर दिन बदलते रहेंगे, नए आते रहेंगे, टेक्नोलॉजी भी आती रहेगी, बिल्कुल। लेकिन सब साथ साथ अपने आप को भी हम लोगों को उतना ही अपडेट करना पड़ेगा। मतलब लाख बात की एक बात है कि हमें पूर्णतः अवेयर रहना पड़ेगा, तभी हम इन जालसाजों से बच सकते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सर आप दोनों का, आपने हमें समय दिया, हमारे दर्शकों को अवेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का। आज देखिए हम बात कर रहे थे साइबर ठगी का, ये जो गढ़ है जिसको पुलिस कोलैप्स कर रही है और जनता को जागरूक कर रही है, इस एपिसोड में हमने यही जानने की कोशिश की कौन-कौन से तरीके होते हैं जिस वजह से ये ठग आपको